अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। भाई यहां पर आपको प्राइस डाउन वाली वीडियो हम फिर से देने लगे हैं। जी हां भाई, तकरीबन 8 फोन्स की प्राइसेस कम हो चुकी हैं और 15 से 20 हजार का तो पक्का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 20 हजार तक प्राइसेस ड्रॉप हो चुकी है। कौन कौन से मॉडल्स है, रियलमी के हैं, शॉमी के हैं, काफी मॉडल्स हैं दोस्तों। तो आपको बताएंगे कि प्राइसेस क्यों डाउन हो रही है और कितनी प्राइस डाउन हुई है। तो आपका टाइम जाया नहीं करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज, पबजी टेस्ट, कैमरा टेस्ट, सब कुछ इंशाल्लाह आपको टाइम पर देखने को मिल जाएगा। भाई शॉर्टकट में ये बताएं कि प्राइसेस लिए डाउन हो रही हैं कि आपको यहां पर एक से एक मॉडल देखने को मिल रहा है। 20,000 की प्राइस देख लें, 25 की देख लें, 30 की देख लें, 40, 35, 50,000 की प्राइस, 70,000 की प्राइस, 60,000 की प्राइस, तो एक से एक मॉडल लॉन्च हो रहा है। प्राइसेस पुराने मॉडल्स की खुद ही डाउन होती जा रही है, मतलब कि इतने ही पुराने नहीं है जिनकी प्राइसेस डाउन हुई। अब से सबसे पहले शॉमी की लिस्ट पकड़ लेते हैं। शॉमी के दोस्तों फोन्स हैं जिनकी प्राइस कम हुई है। सबसे पहला फोन Xiaomi का है Redmi 12। जी हाँ, यह है 8GB 256GB, इसकी 43,000 रुपए प्राइस थी, अब है नई प्राइस यहां पर 40,000 रुपए, 3,000 का प्राइस कट लगा और डिस्काउंट के बाद करीब करीब 15-2,000 का डिस्काउंट मिलना चाहिए। काफी दुकानदार नहीं देते लेकिन डिस्काउंट मिलना चाहिए भाई, 2,000 का कम से कम होना चाहिए, 38 तक मिलना चाहिए। और Redmi 12 8GB 128GB 40,000 रुपए का था, ये 37,000 हो गई ऑफिशियल प्राइस। ये ऑफिशियल प्राइस में बता रहा हूं जो कंपनी की, इसके बाद डिस्काउंट भी मिलता है, डिस्काउंट तो तकरीबन 35-34.5 तक मिलना चाहिए। अगर कहीं पर और कम मिल रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। काफी कमेंट आते हैं कि भाई यहां पर इतने का मिल रहा है, आप ज्यादा बता रहे हैं, तो मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको कि इतने तक अंदाजा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसके बाद Redmi 13C 6GB 128GB, ये 33,000 रुपए का था ओल्ड प्राइस, जो 35-36 में बिका है ब्लैक में। यहां पर अभी ये प्राइस हो चुके 31,000, अभी ओवर प्राइस है तो ख्याल करना चाहिए। 31,000 में 6GB 128GB Redmi 13C, इसमें मजीद डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों, तकरीबन 28-29 तक आपको मिलना चाहिए इजीली। Redmi 13C में 4GB 128GB वाले वेरियंट की भी प्राइस कम हो गई, 4GB 128GB ये 30,000 रुपए का था, अब 28,000 रुपए का भी ये हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, ये 28,000 का है 4128, इसमें डिस्काउंट तकरीबन 26 तक आपको मिलना चाहिए ये फोन डिस्काउंट के बाद। अगर और कहीं कम मिल रहा है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। उसके बाद भाई Realme के फोन्स की प्राइसेस कम हुई हैं। जी हाँ, लेटेस्ट Realme C51 3GB 64GB वाला वेरिएंट जो है 28,000 का था, 26,000 रुपए का हो चुका है। यहां पर 2,000 का प्राइस कट लगा है लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको और कम मिलना चाहिए। Realme C51 4GB 64GB, इसकी प्राइस थी 30,000 रुपए लेकिन ये आपको 2,000 का प्राइस कट लगा है। अब ये 28,000 के ऑफिशियल प्राइस में मिल रहा है लेकिन डिस्काउंट करके 26 तक मिलना चाहिए इजीली। और Realme C51 4GB 128GB ये था भाई पहले 32,000 रुपए की प्राइस में, अब हो गया है 30,000 रुपए की प्राइस में ऑफिशियल प्राइस। 4GB 128GB Realme C51, ये डिस्काउंट के बाद आपको 28-27.5 तक मिलना चाहिए, इजीली मिलना चाहिए। और जो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल कह सकते हैं, Realme 9 Pro Plus, ये 8GB 128GB वाला, इसकी प्राइस थी 1,05,000 रुपए, तो ये आ गया दोस्तों 90,000 रुपए की प्राइस में। इसके भाई डिस्काउंट करके और कम मिल जाएगा, मतलब के तकरीबन 6-7,000 का डिस्काउंट, तो 20-22,000 का आपको यहां पर तकरीबन फायदा मिलेगा। लेकिन 9 Pro Plus को बाय करने का फायदा नहीं, अब भी ओवर प्राइस ही है क्योंकि ऊपर गया था फिर नीचे प्राइस आई है। तो यही थी दोस्तों प्राइस लिस्ट। अगर इसके बाद कोई फोन अगर कम हो रहा है हमारी वीडियो के बाद तो हम प्राइस लिस्ट साथ में शेयर कर देंगे दोस्तों। तो आपको कैसी लगी प्राइस लिस्ट, क्या मजीद कंपनीज की प्राइसेस भी कम होनी चाहिए, जो फोन्स बताएं इनकी कितनी कितनी प्राइसेस और कम होनी चाहिए, कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम प्राइस ड्रॉप वीडियो के साथ आते रहेंगे और अनबॉक्सिंग उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियोस जो भी हम अपलोड करें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके काम की वीडियोस अपलोड करें। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कहने की जरूरत तो नहीं है वैसे। और जो नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया मच जाएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।